नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। बिहारी न्यूज पे आपका स्वागत है। तेज प्रताप यादव का नया अवतार। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अक्सर लोगों को अपने लुक से अपनी ओर आकर्षित करने से नहीं चूकते। कुछ ऐसे ही अंदाज तेज प्रताप के एक बार फिर नजर आए हैं। हाल ही में तेज प्रताप यादव की एक ऐसी फोटो वायरल हुई है जिसमें वो एक रेस्टोरेंट में डफली वाले के साथ नजर आ रहे हैं। यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षार्थी एडमिट कार्ड यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर में नामांकन के लिए 2 से 5 सितंबर तक का मौका। बिहार बोर्ड ने इंटर में रजिस्ट्रेशन की डेट दोबारा जारी की है। दोबारा डेट जारी करने की वजह लगातार अनुरोध पत्रों को बताया गया है। डेट खत्म होने के बाद भी अभ्यर्थी डेट एक्सटेंशन की मांग कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप बोर्ड ने नामांकन भरने का दोबारा मौका दिया है। पीके सिन्हा पीएमओ के नए ओएसडी नियुक्त किए गए। निरपेंद्र मिश्र के इस्तीफे के बाद पीएमओ का नया ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर बिहार के औरंगाबाद जिले के आईएएस पीके सिन्हा को नियुक्त किया गया है। पीके सिन्हा भारत सरकार में कैबिनेट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिहार में फिल्म की शूटिंग करने पर मिलेगा सब्सिडी। फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतीश सरकार ने नई पहल की है और अब बिहार में फिल्म की शूटिंग पर लगे पैसों का एक हिस्सा राज्य सरकार देगी। कलाकारों और निर्माताओं के रहने से लेकर खानपान तक का जिम्मा अब राज्य सरकार लेगी। लल्लू मुखिया 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। अनंत सिंह के नजदीकी लल्लू मुखिया को खुद को सरेंडर करने के बाद अनंत सिंह की तरह ही लल्लू मुखिया का भी पुलिस रिमांड कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। पुलिस की अपील पर बाढ़ कोर्ट ने फैसला सुनाया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। रिम्स द्वारा जारी बुलेटिन में ये बताया गया कि राजद सुप्रीमो की किडनी 50% से घटकर अब सिर्फ 37% ही काम करने योग्य बची है। इसके अलावा भी लालू कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कोसी ब्रिज से जल्द ही शुरू होगा ट्रेनों का परिचालन। होटल पनाश में हुई 3 विधायकों समेत 61 सदस्यों की बैठक के पश्चात जीएम ललित चंद्र त्रिवेदी ने बताया कि कोसी ब्रिज का निर्माण पूरा हो चुका है और अगले साल मानसून तक यहां ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। मनरेगा धांधली के खिलाफ प्रदर्शन। मनरेगा में धांधली के खिलाफ वैशाली से पटना पैदल चल के आए प्रदर्शनकारियों पर पटना मुख्यमंत्री आवास जाने से रोके जाने पर झड़प में तब्दील हुए प्रदर्शन पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। बिहार में हर साल मनाई जाएगी जेटली जयंती। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार ने हर साल अरुण जेटली की जन्मतिथि पर जेटली जयंती मनाने की घोषणा की है। अवधि फूड फेस्टिवल का आगाज 1 सितंबर को हो चुका है। यह फेस्टिवल 15 दिनों के लिए पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल पाटलिपुत्र एक्जोटिका में आयोजित होगा। यानी कि फूड लवर्स 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मजेदार खानों का लुत्फ उठा सकते हैं। दक्षिण एशियाई के सबसे बड़े स्क्रीन पर रिलीज हुई साहू। साहू दक्षिण एशिया के सबसे बड़े स्क्रीन पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है। आंध्र प्रदेश के सुल्लुपेट कस्बे में एपिक थिएटर तैयार किया गया था। थिएटर की स्क्रीन 100 फीट चौड़ी और 54 फीट ऊंची है। नोरा फतेही ने कहा ये दिलबर दिलबर, कमरिया और ओ साकी साकी गानों से शानदार डांस के द्वारा हिट हो चुकी नोरा फतेही ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है, जब वे कनाडा से इंडिया आई तो उन्हें एजेंसी से सप्ताह में 3,000 रुपए मिलते थे, इससे डेली रूटीन मैनेज करना बहुत मुश्किल था। रायडू ने संन्यास फैसला लिया वापस। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को खत लिखकर रायडू ने अपने संन्यास के फैसले को भावनाओं में आकर लिया हुआ फैसला करार करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अब वे सिलेक्शन के लिए पूरी तरह उपलब्ध हैं। पटना जू में आए 22 नए मेहमान। संजय गांधी जैविक उद्यान यानी कि पटना जू में नए मेहमानों का आगमन हुआ है। तमिलनाडु से रिंगर अन्ना, बेंगलुरु से एक जोड़ा बाघ समेत 22 नए वन्य प्राणी संजय गांधी जैविक उद्यान पहुंच गए हैं। गैस के लिए परेशान उपभोक्ताओं का हंगामा। बिहार में गैस सेवा नहीं मिलने से परेशान लोगों ने जमकर हंगामा किया है। गैस एजेंसी का कहना है कि डिमांड और सप्लाई में अंतर होने की वजह से ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राघोपुर में हुआ निर्विरोध चुनाव। जदयू के राघोपुर समेत 15 प्रखंडों के पंचायतों में पंचायत अध्यक्ष के चुनाव बिना किसी विरोध या रुकावट के संपन्न हो गए हैं। बिना नक्शे के बने भवनों को नागरिक सुविधा नहीं। मुजफ्फरपुर में अब बिना ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के नहीं मिलेगी नागरिक सुविधा। नवनिर्मित भवनों को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना हुआ अनिवार्य। अब संभलकर करें ड्राइविंग, नियम तोड़ने पर जेब हो सकती है ढीली।
ट्रैफिक नियमों के उल्लंघनों पर नए नियम लागू हुए हैं। अब किसी भी प्रकार के ट्रैफिक उल्लंघन पर यात्रियों को भरना होगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना। सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होगी सख्त कार्रवाई। दरभंगा और समस्तीपुर जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने की पहल शुरू हुई है। डीजीपी ने पुलिस अधिकारियों से कानून और व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है, साथ ही सोशल मीडिया पर उड़ते अफवाहों पर खास निगरानी रखने को भी कहा। नीतीश कुमार का ऐलान। अरुण जेटली की श्रद्धांजलि सभा में नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के भव्य प्रस्तुति का निर्माण जल्द से जल्द शुरू होगा। विपद परिस्थितियों में नहीं दिया केंद्र सरकार ने साथ। बिहार सरकार ने कहा है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने विपदा के वक्त अपेक्षा अनुसार राशि प्रदान नहीं की है। पिछले 10 सालों में 72,557 करोड़ रुपए की मदद मांगी, लेकिन महज 2,998 करोड़ की ही मदद मिली। अयोध्या विवाद में फैसला जल्द आने की उम्मीद। अयोध्या मामले में 25 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष की दलीलें पूरी हो गई हैं, जिसके पश्चात नवंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने की संभावना बढ़ गई है। फिल्म कबीर सिंह को लेकर फारा खान की भविष्यवाणी। मशहूर डायरेक्टर फारा खान ने शाहिद कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म को लेकर भविष्यवाणी की है। अपने एक इंटरव्यू में फारा खान ने कहा कि कबीर सिंह के लिए शाहिद कपूर को अवार्ड मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई अवार्ड मिल भी रहा होगा तो क्रिटिक्स की बुराइयों से अवार्ड उन्हें नहीं दिया जाएगा। अब जानते हैं मौसम का हाल। औरंगाबाद, भागलपुर, गया, मधुबनी, मोतिहारी, नालंदा, पूर्णिया, छपरा, गया में बादल छाए रहेंगे, बारिश होगी और धूल भरी हवा चलने की संभावनाएं हैं। वहीं नालंदा और फरबिसगंज में सवेरे, दोपहर और शाम में धूल भरी हवा और बारिश की संभावनाएं हैं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।